तो खैर मगन मुनि का तो अपना विराट चिंतन था एक। हमारे संघ में मंत्री मुनि आज तक दो ही हुए हैं, या तो मगन मुनि श्री हुए या मंत्री मुनि श्री, अभी विराट दो ही मंत्री मुनि हुए हैं घोषित रूप में। मंत्री मुनि जो सलाह भले कोई दे दे वो अलग बात, सलाह देने में दे सकते हैं, एक विधिवत घोषित के रूप में दो ही मंत्री मुनि हुए हैं, मगनलाल जी स्वामी हुए। एक लंबे अंतराल के बाद हमें सौभाग्य से फिर मंत्री मुनि प्राप्त हो गए। तो मगन मुनि का अपना विराट चिंतन रहता था, और गुरुदेव महाप्रज्ञ जी को मैंने देखा और गुरुदेव तुलसी को भी देखा कि मगन मुनि के प्रति काफी उनके मन में सम्मान का भाव था, बहुत सम्मान का भाव था। तो संस्कृत में यह कहा गया, गीर भीर गुरुणाम परुषाक्षराभिः तिरस्कृता यान्ति नरा महत्वम् अलब्ध सानोत्कसणा नृपाणाम न जातु मौलव मनयो वसन्ति। कि जो शिष्य गुरु की डांट को सह लेते हैं, गुरु एक बार उलाहना दे, दो बार दे, तीन बार दे, जितनी बार दे दे, तो गुरु के प्रति कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुरु कुछ भी फरमा दें कह दें तो शिष्य को श्रावक श्राविका को गुरु की बात पर कभी गुस्से में नहीं आना चाहिए, आवेश में नहीं आना चाहिए। गुरु के सामने तो श्रृगाल सियालिया बनकर के रहना चाहिए। जो गुरु के सामने शेर बनने की चेष्टा करता है वो कभी श्रृगाल बन सकता है, और गुरु के सामने सियालिया बनकर के रहे वो जनता के सामने शेर बनकर के सामने आ सकता है। तो गुरु कुछ डांट दे दे, कठोर वचनों से उलाहना दे दे, खूब डांट दे, उस तिरस्कार को जो शिष्य सहन करता है विनय के साथ, हाथ जोड़ के विनय भाव से सहन करता है, वो शिष्य महानता को प्राप्त होता है। कवि ने उदाहरण दिया कि राजा के मुकुट में वे मणि स्थान नहीं पा सकते हैं जो शान पर खरे नहीं उतरते हैं। निकस पर खरे उतरते हैं, कसौटी पर खरे उतरते हैं, उन मणियों को राजा के मुकुट में बैठने का मौका मिलता है। इसी तरह जो गुरुओं की डांट को सह लेते हैं उनको संघ के ऊंचे होदों पर आने का, सम्मानित होने का मौका मिलता है। तो अप्रिय वाणी को सहन करना यह एक साधना होती है। साधु संस्था में ही नहीं, गृहस्थ लोग हैं वे भी परस्पर में ऐसा अभ्यास करें कि अप्रिय बर्ताव को भी सहन कर सके। सास बहू को भी सहन कर सके और बहू सास को सहन कर सके, पति पत्नी को सहन कर सके, पत्नी पति को सहन कर सके, छोटा भाई बड़े भाई को सहन कर सके, बड़ा भाई छोटे भाई को सहन कर सके, पिता पुत्र को सहन कर सके और पितृ पुता को, पिता को सहन कर सके। यूं एक दूसरे को सहन करने का अभ्यास प्रयास हमारा पुष्ट रहना चाहिए और लक्ष्य बन जाए और अभ्यास किया जाए तो यह स्थिति भी प्राप्त हो सकती है कि हम एक दूसरे को सहन करने में अर्ह बन जाते हैं, योग्य बन जाते हैं, लायक बन जाते हैं। तो वचन भी अप्रिय हो उसे सहना, और किसी का बर्ताव और कोई व्यवहार भी अप्रिय हो तो उसे सहना। हमारे यहाँ जैन धर्म में खमत खामना की अच्छी परंपरा है। साधु साधियों में तो पक्षी लगभग 15 दिनों के बाद एक बार खमत खामना होता है। विधिवत एक बड़े साधु के पास छोटा जाकर के खमत खामना करता है, और खमत खामना एक ऐसा प्रयोग है जो एक मल को धोने वाला और आपसी सौहार्द को पुष्ट करने वाला होता है। तो हमारे यहाँ साधु संस्था में तो विधि है ही, और विधि तो यह है कि बड़े साधु से खमत खामना न हो जाए तो मुंह में पानी भी न लेना। जितने भी बड़े संत हैं, 50 हैं, 60 हैं, मर्यादा महोत्सव के दिनों की पक्षी आती है,
कई बार 50, 60, 70, 80 साधु बड़े हो जाते हैं छोटों से, जो खासकर बाल छोटे मुनि होते हैं, उन सबसे खमत खाम ना करना उनका धर्म है। 146 साधु मंत्री मुनिश्री फरमा रहे हैं कि मैंने दीक्षा ली तब आपसे 146 साधु बड़े थे। एक एक से खमत खामना करना, यानी गिनना, कोई साधु रह न जाए। 146 है तो 1, 2, 3, 4 बाकी न रह जाए। एक एक का ध्यान देकर के पूरा हिसाब कर लेना चाहिए, सबसे खमत खामना होना चाहिए। तो गृहस्थों में भी ऐसा कोई अनुष्ठान चले कि परिवार है तो महीने में एक दो बार खमत खामना कर ले, कुछ कर ले तो कोई बात हो तो साफ हो सके। क्योंकि जैसे साधु संस्था है वैसे परिवार की एक छोटी सी अपनी संस्था सी होती है, तो परिवार में भी कोई कहा सुनी, हालांकि एक तो विधि है गृहस्थों में भी, संवत्सरी का तो खमत खामना होता है, वो तो जमा हुआ है। संवत्सरी को तो मैंने देखा कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, खमत खामना करते हैं, और नहीं तो पत्र दे करके भी खमत खामना करते हैं। ये सुंदर प्रथा है, खैर इतना भी अच्छा है, अब पक्षी को नहीं भी हो सके तो वर्ष में एक बार भी खमत खामना सबसे हो जाए जिनके साथ काम पड़ता है। और तो 84 लाख जीव योनियां है वो ठीक है, जिनके साथ हमारा काम पड़ता है उनसे विशेष रूप से खमत खामना हो जाना चाहिए, और वर्ष भर का सारा हिसाब साफ हो जाना चाहिए। तो जैन शासन की सुंदर एक प्रथा है यह क्षमा पर्व, मैत्री पर्व। और गृहस्थ समाज भी बड़ा जागरूक है इस क्षमा पर्व के प्रति। बड़े बड़े शहरों में तो विभिन्न जैन संप्रदायों के साधु साधियाँ इकट्ठा होकर के साथ में प्रोग्राम करते हैं, खमत खामना का प्रोग्राम होता है। एक चेन्नई में हुआ, कई जगह दिल्ली में कई जगह ऐसे होता हुआ करता है। तो इससे एक जैन संप्रदायों में भी कुछ दूरी कम होने का मौका मिलता है, आपसी व्यवहार संबंध अच्छा होने का भी मौका मिलता है। तो आदमी यह सोचे कि मैं जीवन जीऊं, पवित्रता का जीवन जीऊं, कितना जीऊंगा यह एक प्रश्न है, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह होना चाहिए कि मैं कैसे जीऊं। जब तक जीऊं कैसे जीऊं, जीऊं तो पवित्र जीवन जीऊं। उत्था युत्था ये बोद्धव्यम किमद्य सुकृतम कृतम आयुषह खंड मादाय रवि रस्तमयम गते। उठ उठ करके या सोने से पहले चिंतन करना चाहिए कि आज के दिन में मैंने सुकृत क्या किया है, पवित्र कार्य क्या किया है। क्यों सोचना चाहिए कि अगर मैंने अच्छा काम किया तो मेरा आज का दिन सफल हो गया, अगर मैंने बुरा काम कर लिया मेरा आज का दिन दुष्फल हो गया, खराब फल देने वाला हो गया, और न अच्छा किया न बुरा किया तो मेरा दिन निष्फल हो गया, बेकार चला गया। हमारा दिन न तो बेकार जाए न खराब फल देने वाला हो, हम अच्छा कार्य करें ताकि हमारा एक एक दिन सफल हो जाए, और यूँ करते करते हमारा जीवन का बहुलांश सुफल सफल हो सके। तो जीवन की सफलता के प्रति हमारे मन में एक जागरूकता का भाव रहना चाहिए, हमारे बोलने में भी संयम और हमारा कर्म हर आचरण भी संयमित होना चाहिए। कई लोगों में ऐसी वृत्ति है कि त्याग, खाने पीने का त्याग प्रत्याख्यान काफी करते हैं, खाना खा लिया 1 घंटा 2 घंटा त्याग कर देंगे। ये त्याग करना भी बड़ा सुंदर क्रम है, खाली क्यों रहे, एक एक घंटा हमारा त्याग में बीते, संयम में बीते। तो जीवन को सफल बनाने का एक तरीका यह भी है हम त्याग संयम में रहें, खाने भोजन कर लिया अब 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा तीनों आहारों का त्याग आराम से हो सकता है, या 1 घंटा 4 आहारों का हो गया। तो यूँ बार बार त्याग करना भी अच्छी वृत्ति, अच्छी प्रथा है। संभवतः भाइयों में तो ज़्यादा होगा यह क्रम बार बार त्याग करने का, और कुछ भाइयों में भी हो सकता है। मैं जब छोटा बच्चा था तो मैंने एक छोटी सी एक पुस्तिका नुमा कुछ देखा,
उस पर हेडिंग मुझे याद आ रहा है, खाते पीते मोक्ष, खाते पीते मोक्ष। तो खाते पीते मोक्ष कैसे मिल सकता है? मुझे जानकारी मिली, यह पुस्तक कोई पढ़ने की किताब नहीं है, इसमें कोष्ठक 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 हैं। जितने त्याग, यानी भोजन कर लिया, एक घंटा का चारों ओरों का त्याग करो, एक बिंदु उसमें लगा दो, फिर त्याग करो, एक बिंदु और उसमें लगा दो, यो बिंदुओं से उन कोष्ठकों को भरना होता है। तो खाते पीते बीच बीच में जो त्याग हो रहा है, वह त्याग मोक्ष का कारण बन जाता है। इस रूप में वे खाते पीते मोक्ष की बात हो सकती है। तो हम अपने जीवन को सफल बनाएं, जीवन में त्याग संयम वैराग्य बढ़ाने का प्रयास करें। श्रावक हैं तो 12 व्रतों को समझने का प्रयास करें, संभव हो सके तो 12 व्रतों को जीवन में धारने का अभ्यास करें। जो त्याग बढ़ेगा तो हमारी आत्मा निर्मलता को प्राप्त होगी। इसके साथ कसाय का मंदीकरण हो हमारा, कसाय शांत रहे, हमें बात बात में गुस्सा नहीं आना चाहिए, हमें झुंझलाहट नहीं आनी चाहिए। किसी ने कुछ कहा, आदमी झुंझला जाए, झुंझलाहट नहीं आनी चाहिए, चिड़चिड़ापन नहीं आना चाहिए। शांति से बात को हम सुनने का प्रयास करें, शांति से जवाब देने का प्रयास करें, शांति से व्यवहार करें। ठीक है, कभी कभार कड़ा कहना पड़े तो कड़ा कहने में भी भीतर में गुस्सा नहीं आना चाहिए। ऊपर से कभी कड़ा भी कहना पड़े, डांटना भी पड़े, तो मुंह से तो आदमी डांटे पर दिल में तो प्रेम का भाव रहे। ऊपर से डांट है और भीतर में प्रेम का भाव है, तो डांट तो करनी पड़ती है कभी, परंतु दिल में तो हमेशा प्रेम का भाव रहना चाहिए, समता का भाव रहना चाहिए, एकसाय की चेतना का विकास रहना चाहिए। यह स्थिति रहती है तो हमारी आत्मा निर्मल बनती है और फिर वह मोक्ष भी अपने आप हमारे मानो निकट हो जाता है, या हम मोक्ष के निकट हो जाते हैं और स्वल्प समय में हमारी आत्मा संपूर्ण मोक्ष को प्राप्त करने की स्थिति में आ सकती है। दानान सिठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।